हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ज़िंदगी में हमारे भर चुका है काफ़ी सारा दुख, बट उन दुखों के बीच में भी हम छोटी छोटी खुशियाँ खोज लेते हैं। तो पहले दुखों से स्टार्ट किया जाए। पहला दुख, क्लासेस। क्लासेस के चलते कोई काम नहीं हो पा रहा है। अभी भी मैं तब से सोच रहा हूँ व्लॉग करूँगा व्लॉग करूँगा, लेकिन क्लासेस ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। तो फाइनली अभी शाम के 4 बजे क्लासेस ख़त्म हुए, तो अब मैं व्लॉग कर रहा हूँ। दूसरा दुख, ये जो मैं इस हाथ से ब्लॉक कर रहा हूँ, ये मैं ज़्यादा देर कर नहीं सकता, बिकॉज़ इस हाथ में मेरे इंजरी हो गई है शोल्डर पे। हुआ क्या है कि मैं जिम कर रहा था, मैंने बेंच प्रेस मारा और एक साइड हल्का सा दर्द हुआ शोल्डर पे, तो मैंने उस टाइम नेगलेक्ट किया। शाम को अचानक से एक आवाज़ आई और उसके बाद से मेरा हाथ इससे ऊपर जा ही नहीं रहा था आज सुबह तक। मगर राजेश भैया बोले कि जिम आओ, ठीक कर देंगे। और पता नहीं वो क्या किया हाथ के साथ, ऐसे वैसे ये वो, और काफ़ी हद तक दर्द ठीक हो गया। अब हाथ ऊपर उठ पा रहा है कम से कम। अब आते हैं तीसरे दुख पे। तीसरा दुख ये है कि हमारे चैनल पे 5 दिन से वीडियो नहीं आया है, जिसका इलाज है ये वीडियो जो मैं अभी शूट कर रहा हूँ। एंड इन सब चीज़ों के बीच छोटी छोटी खुशियाँ। पहला तो मैंने हेयर कट करवाया, क्योंकि लंबा बाल बहुत इरिटेटिंग हो गया था, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि छोटे बाल ही रखूँ, बिकॉज झंझट ही नहीं है, छोटे बाल है, कोई दिक्कत नहीं। एंड ऑल्सो द बिगेस्ट थिंग, आज हमारे चैनल पे 10K व्यूज़ कंप्लीट हो चुके हैं टोटल, आफ्टर पोस्टिंग 23 वीडियोस। तो ये टोटल स्टैट्स है इम्प्रेशंस मेरे चैनल का, जब से मैंने चैनल बनाया है। यहाँ पे ये थोड़ा सा बढ़ा, क्योंकि ये होंडा वाला वीडियो काफ़ी चला था। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा है, एंड यहाँ पे बढ़ा है रेगुलरली, बिकॉज यहाँ पे मैंने काफ़ी वीडियोस जल्दी जल्दी डाली थी। एंड उसके बाद ये सीधे इतना बड़ा जंप कैसा है इम्प्रेशंस पे, मेरे एक फ्रेंड ने केवल शेयर किया अपने फ्रेंड्स को सारे जगह कि भाई सब्सक्राइब कर दो, ये कर दो, वो कर दो, जो भी। उस एक बंदे के शेयर से इतना इम्प्रेशंस बढ़ा और व्यूज़ बढ़ा। तो इसीलिए आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्यों बोलता हूँ कि शेयर करो प्लीज़, क्योंकि चैनल का ग्रोथ काफ़ी ज़रूरी है मुझे मोटिवेटेड रखने के लिए, ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊँ, अपना कंटेंट और इम्प्रूव करूँ। ऑल्सो ये देखो सब्सक्राइबर काउंट किस तरह धीरे धीरे बढ़ रहा था, ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बढ़ते, और ठीक ठाक बढ़ रहा था, बीच में रुक भी गया था, फिर बढ़ भी रहा था, लेकिन ये एक बार में इतना से इतना हुआ बस उस एक बंदे के शेयर से। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि प्लीज़ शेयर करो, ताकि चैनल ग्रो कर पाए। सो फार सो गुड, ठीक ठाक रेस्पॉन्स आया है। बट ऑल्सो मैं ज़्यादा शेयर कर नहीं रहा था चैनल को पहले, ना मैं अपने फ्रेंड्स को बोल रहा था, ना किसी को बोल रहा था कि भाई शेयर कर दो या जो भी, बिकॉज़ चैनल पे कंटेंट नहीं था, ना क्वालिटी थी ना क्वांटिटी थी। क्वालिटी अभी भी नहीं है उतनी अच्छी, बट आई एम इम्प्रूविंग, क्वालिटी नो डाउट इम्प्रूव हो रहा है, क्वान्टिटी अब ठीक ठाक है चैनल पर। तो आई थिंक अब शेयर करना ठीक रहेगा चैनल को, अब चैनल को प्रमोट करने का कोई फ़ायदा भी होगा, ताकि लोग देखेंगे। ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को शेयर करिए। और क्या बोलना था, करेंटली आई एम होम अलोन, तो सेलिब्रेट करने के लिए कुछ है भी नहीं। 10K व्यूज़, एंड यूजुअली लोग सेलिब्रेशन में करते भी क्या है, लोग स्वीट्स खाते हैं। आई डोंट लाइक स्वीट्स, मुझे मीठा पसंद ही नहीं बचपन से। सो आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट इट बाई ईटिंग दिस विटामिन सी एंड जिंक टैबलेट्स, बींग एन फिटनेस एंथुजियास्ट। थोड़ा सा अंदर से पॉजिटिविटी बिल्डअप होगा कि हाँ कुछ अच्छा खाया। तो करेंटली देखो मौसम कैसा है, इट्स क्लाउडी। अभी तो थोड़ा साफ लग रहा है, बट अभी जस्ट बारिश होके रुका है। देखो पत्ते भी गीले हैं। तो अभी तो मौसम साफ हुआ है, बट काफ़ी देर से बारिश हो रही थी और कोई ठिकाना नहीं है। इधर इधर तो आपको साफ बादल दिख रहा है, बट उस साइड जो कि यहाँ से नहीं दिखा पाऊँगा मैं, उधर अभी काफ़ी काले बादल हैं। तो इसलिए मैं अभी बाहर नहीं जा सकता ब्लॉग करने के लिए बाइक पे, क्योंकि वाटरप्रूफ नहीं है माइक लगा के मोटो ब्लॉग करना। आइडियाज़ तो थे कुछ ब्लॉग करने के, बट वो वाटरप्रूफ नहीं है, तो अभी रिस्क नहीं ले सकते जाके। अगर भाई कहीं बारिश आ गई तो दिक्कत हो जाएगा। शायद आपको सुनाई भी दे रहा होगा, बिजली कड़क रही है, एंड कभी भी बारिश हो सकती है। ऑल्सो ये जो शोल्डर इंजरी थी ना, उसके चलते 3-4 दिन से मैं जिम भी नहीं गया था, तो थोड़ा सा डाउन डाउन आज फील हो रहा था कि मैंने 3-4 दिन से वर्कआउट नहीं किया है।
प्लस अभी तीज है, पूजा पाठ का माहौल है, तो मम्मी भी बिजी रहती है। यूजुअली पूजा पाठ के लिए कुछ भी मम्मी को जाके मुझे छोड़ना पड़ता है दादी के यहाँ, दादी के घर। आज भी मैं सुबह मम्मी को दादी के घर छोड़ के आया हूँ, इसीलिए मैं भी घर पे अकेले हूँ। तो उसके चलते डाइट भी पूरा फक्ड अप हो जाता है। मतलब मम्मी खाना तो प्रॉपर सारा बना के गई है, फिर भी इतना सीरियसली अच्छा से फॉलो नहीं हो पाता। ऑल्सो जब आप जिम नहीं जाते उस दिन मोटिवेशन ही नहीं मिलता है कि आप अच्छे से डाइट को फॉलो करो। तो उसके चलते भी थोड़ा सा लो फील हो रहा था। एंड ये मैं चीज़ें क्यों शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, बिकॉज अगर मैं वो चीज़ यहाँ बता देता हूँ कि मैं डाइट फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मैं वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ, तो फिर मेरे अंदर वो आ जाता है कि यार मैंने लोगों को बता दिया, मुझे करना पड़ेगा वर्कआउट। तो वो भी एक रीज़न है। ऑल्सो सम अपडेट्स, तो लोगों ने ज़्यादातर ट्रैवल व्लॉग्स डिमांड किए थे मुझसे, तो आने वाले हैं, बस आने ही वाले हैं, थोड़ा सा इंतज़ार करो, ट्रैवल व्लॉग्स आएंगे। आई होप नेक्स्ट या नेक्स्ट का नेक्स्ट वीडियो होगा ट्रैवल पे ही, और अच्छा खासा होगा। उसके लिए बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है तो। ऑल्सो जो मैंने बताया, शेयर करो ताकि चैनल ग्रो हो पाए। एंड काफ़ी मेहनत करा लौंडा, शेयर करो, क्या कर रहे हो। एक छोटा सा हिंट कि अगले राइड पे कौन कौन होगा, तो हिंट चाहिए तो पतरातू वाला व्लॉग देखो, उसके बाद एग्जॉस्ट चेंज वाला व्लॉग देखो GT650 का, और समझ जाओ और चिल करो। तो अगला व्लॉग काफ़ी तगड़ा होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा तगड़ा। तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। वीडियो को यहाँ पे एंड करते, बहुत शॉर्ट वीडियो था बट जो भी था घर बैठ के मैंने शूट किया, क्योंकि ये ज़रूरी था, कुछ चीज़ें बतानी थी, काफ़ी टाइम से वीडियो आ भी नहीं रही थी, अपडेट्स देना ज़रूरी है। तो दिस वॉज इट, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।